बैलपोला नागपुर के एक प्रसिद्ध त्योहार में से एक है, जो पिठोरी अमावस्या के दिन मनाया जाता है और दूसरे दिन तान्हा पोल्हा के दिन मारबत त्योहार भी मनाया जाता है। अब क्या है ये मारबत त्योहार, चलिए आइए जानते हैं। तान्हा पोल्हा के दौरान मारबत का जुलूस निकालने की प्रथा शहर में कई वर्षों से चली आ रही है। कहा जाता है कि मारबत को बुराई के प्रतीक के रूप में माना जाता है। काली मारबत का निर्माण 1881 को हुआ, वही पीली मारबत का निर्माण 1885 को हुआ। इस त्योहार को पूरे 140 साल पूरे हुए हैं। काली मारबत को महाभारत काल में रावण की बहन पुतला राक्षसी का रूप दिया गया है। श्री कृष्ण के हाथों मारे जाने के बाद गोकुलवासियों ने काली मारबत को गांव के बाहर ले जाकर जला दिया था, जिससे गांव की सभी बुराइयां व कुप्रथाएं बाहर चली जाए। तभी से काली मारबत का निर्माण किया जा रहा है। अब दूसरी ओर भोसले घराने का राजा पूरे नागपुर शहर का राजा था। उनकी बहन बकाबाई नामक महिला ने अंग्रेजों से जा मिली थी। बकाबाई ने अंग्रेजों को राजा की सारी बातें बता दी थी। उसके बाद भोसले घराने पर बुरे दिन आ गए थे। इसी बात के विरोध में पीली मारबत का भी जुलूस निकाला जाता है। लोगों को लगा जैसे महाभारत काल में काली मारबत को जलाने से सभी बुराइयां व कुप्रथाएं बाहर चली गई, वैसे ही पीली मारबत को जलाने से बुराइयां और कुप्रथाएं चली जाएगी। हर साल जन्माष्टमी के बाद पिठोरी अमावस्या के दिन मारबत को जलाया जाता है, इसलिए नागपुर में ये प्रथा प्रचलित है और लोग इसे बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। लोग नारों के साथ ये जुलूस निकालते हैं। पीड़ा पीड़ा रोग राई गेहूं जागे मारबत। गेहूं जागे मारबत का मतलब होता है कि सभी बुराइयां नफरत बीमारियों को अपने साथ ले जा। कोरोना ने पिछले 3 साल से हमारे जीवन में तहलका मचा दिया है। मैं यही उम्मीद करती हूँ कि सभी बुराइयों के साथ कोरोना को भी ले जा मारबत।